गाना सीखना शुरू किया तो थाट, राग, अलंकार, ताल, इन सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल था और जिस मामले में मैं बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था वो ये कि आवाज निकालने का सही तरीका क्या है। मुझे गाना है लेकिन आवाज किस तरह से निकाली जाए ये मुझे मालूम नहीं है। जिस तरह से हम बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसी तरीके से क्या मैं गाने में अपनी आवाज का यूज करूं या दूसरे कलाकारों की आवाज कर आवाज की नकल करके उस तरह से अपनी आवाज बनाऊं? मेरी क्या आवाज है? आवाज निकालने का यानी कि वॉइस प्रोडक्शन का सही तरीका क्या है? ये मेरा सबसे पहला सवाल था। तो सब चीजों को एक साइड कर दीजिए, सबसे पहले ये जानिए कि एक गायक को सही किस तरह से आवाज निकालनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत तरीके से रियाज करते हैं, गलत तरीके से आवाज निकालते हैं और वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है तो वो बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद में उसका सुधार करना। कि यदि हमारे गाना गाने का तरीका सही नहीं है, गाने की वॉइस प्रोडक्शन का तरीका सही नहीं है तो हम अच्छी गायकी नहीं कर सकते। उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो आज के एपिसोड में मैं वॉइस प्रोडक्शन की टेक्निक पर आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, हमारे वॉइस प्रोडक्शन में केवल हमारी ओरल कैविटी और जो स्वर सिस्टम है वही काम में नहीं आता, और बहुत सी चीजें हैं जो वॉइस प्रोडक्शन में जरूरी हैं। हमारे लैरिंग्स, ओरल कैविटी पूरी हो गई, नेजल कैविटी, नाक जो है हमारा, उसका एक और महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारी नेजल कैविटी बहुत साफ होनी जरूरी है। जिसको जुकाम रहता है, नजले की प्रॉब्लम है, उन सबको इन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। आवाज एकदम साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारा सीना और पेट, ये सिस्टम भी हमारे गाने में काम में आता है। हम जो सांस लेते हैं वो हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका अलग है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने सीने से सांस लेते हैं, जो गायकी के लिहाज से बहुत बेनिफिशियल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चाहिए योग के अनुसार भी कि वो अपनी पेट से सांस ले, यानी जब आप सांस लें तो आपका पेट ऊपर और नीचे होना चाहिए। आप कैसे सांस लेते हैं इसका परीक्षण आप अपने पेट पर हाथ रख के कर सकते हैं कि जब आप सांस लें तो देखें कि क्या आपका पेट आगे पीछे हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इसका कुछ दिन अभ्यास करिए। अभ्यास से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से सांस लें। पेट से सांस लेने के और भी बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो इसका ये फायदा है कि आप सांस बहुत गहरी ले सकते हैं, जिससे आपकी गायकी में किसी सुर पे टिके रहना बहुत संभव है। इसी से जुड़ी दूसरी बात भी है कि आपकी आवाज में, नोट्स में, सुर लगाने की क्षमता में शक्ति आती है। उसको आप बहुत स्ट्रांग तरीके से कोई सुर लगा सकते हैं। यदि आपकी सांस पेट से ली जा रही है तो ही यह संभव है। तो मैंने आपको तीन बातें बताई, आपकी आवाज साफ हो, आप जो भी बोलें उसको अपने लिप्स से, अपने होठों से साफ साफ उसका उच्चारण करें। इस बारे में मैं एक अलग से एपिसोड करूंगा। दूसरी बात है नेजल कैविटी साफ हो, आपको जुकाम नहीं हो, और यदि आपकी नेचुरल साउंड ही ऐसी है कि वो उसमें नाक से आवाज आती है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें, लेकिन वो फिर भी नेचुरल है तो उसको रहने दें। आपने भूपेंद्र जी को सुना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको जैसी है वैसी रहने दें। उसके बाद में सीने से सांस लेना बंद करें, अपनी पेट से सांस लें। इन सब चीजों को देखने के बाद में जरूरी यह है कि असल में आवाज किस तरह से निकाली जाए। दोस्तों, पेट से सांस लेना, इसको बहुत नियंत्रित करना जरूरी है।
और बड़ी खुशी की बात है कि पेट से सांस लेते हुए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमें सांस धीरे छोड़नी है, धीमी स्पीड से छोड़नी है, तेजी से छोड़नी है और रुक रुक के छोड़नी है। गायकी के बहुत से अंगों में पेट से छोड़ी जाने वाली सांस का प्रयोग हो सकता है। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, इसके ऊपर यदि आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इसके बहुत से फायदे हैं। शायद पेट से गाना भी इसी को कहते हैं कि पेट से गाया जाना चाहिए। या अभिनेताओं को कहा जाता है कि आपकी आवाज पेट से आनी चाहिए, आपकी चिल्लाहट जो है वो पेट से आनी चाहिए। योग में भी कहते हैं कि आपका जो रेचन है वो पेट से होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि पेट से सांस लेना, पेट से गाना बहुत जरूरी है। पेट से गाने का यही मतलब है कि आपकी जो एसेंस है, जो आपके गाने की जो आवाज है, मूल आवाज है, वो आपके पेट से आनी चाहिए, गले से नहीं आनी चाहिए। गला आपका सिर्फ एक विंड सिस्टम है, सिर्फ उसको नियंत्रित करता है कि आपकी आवाज क्या क्या स्वर निकलना चाहिए, आपको क्या बोला जाना है। सिर्फ आपका उच्चारण जो है वो कंट्रोल करता है, लेकिन जो आपकी आवाज में जो फोर्स आती है वो आपके पेट से आनी चाहिए। तो इस चीज को आप लोग मनन करिए कि आपकी आवाज का प्रोडक्शन आपकी पेट की आवाज से किस प्रकार हो। फिर एक इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि इसको हम लोग क्रियान्वित किस तरह से करें। ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम लोग सा का अभ्यास करते हैं, मैं हारमोनियम पे सा बजाता हूं, ये सा है, ये मेरा सा है। इसको मैं यदि उच्चारण करता हूं तो मैं किस प्रकार करता हूं, सा सा सा, बिना हारमोनियम के यदि मैं आपको सुनाऊं तो ये उच्चारण इस तरीके से, सा सा मैं इसका गले से उच्चारण करता हूं तो सा सा, और पेट से यदि मैं उसका उच्चारण करता हूं सांस लेते हुए तो इसकी उसका उच्चारण कुछ इस तरीके से होता है, सा इसका फर्क महसूस कर सके हों तो बहुत अच्छा है। जो पेट से आवाज आती है वो बहुत गहरी आवाज होती है, उसमें कहें कि संगीत का बेस कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। और जो गले से आती है उसमें स्ट्रेन होता है, उसमें कंट्रोल ज्यादा इस वजह से महसूस होता है क्योंकि वो बहुत अपर लेवल पर प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन जो पेट से सांस आती है उसको यदि व्यक्ति कंट्रोल करना सीख जाए तो उसकी गायकी में चार चांद लगा सकती है, वो गायकी में बहुत आगे जा सकता है। क्लासिकल सिंगिंग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो केवल पेट से सांस लेने पर ही की जानी संभव है। गले का क्या है, गला थक जाता है, गला ऐसा नहीं बना है कि आप इससे बहुत देर तक गा सके। ये सिर्फ आपकी पेट से निकली हुई सांस से ही संभव है कि आप एक घंटा दो घंटा भी लगातार गा सकते हैं, ऊंचा गा सकते हैं, किसी सुर पर टिक सकते हैं। इसलिए आपको आगामी जो आने वाला रियाज है वो सिर्फ पेट की सांस लेते हुए ही करना है। आज का एपिसोड आपके सामने लेके आने का कारण ही यही है कि आपको सही तरीके से पता लगे कि वॉइस प्रोडक्शन कैसे किया जाना है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो मैं समझता हूं कि अगली महत्वपूर्ण बात है, किसी से कम नहीं है, वो ये कि फिर सांस छोड़ी कैसे जाए, गाना गाने का सही तरीका फिर क्या होगा। ठीक है, हम पेट से सांस ले रहे हैं लेकिन इसको किस तरह से निकालना है, छोड़े। तो मेरे दोस्तों, इसका जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊं। यदि आप एक मोमबत्ती लें, माचिस लें और जलाकर अपने मुंह के आगे रखें
और आवाज निकालें सा, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आवाज निकल रही है, आपकी सांस भी निकल रही है, लेकिन उस मोमबत्ती या दिया सलाई की लो फड़फड़ाती नहीं है, वो फड़फड़ानी नहीं चाहिए। आप कितना भी जोर से गाएं, किसी भी सुर में गाएं, आपकी आवाज से, आपकी सांस से वो लो फड़फड़ानी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी सांस आती जाती रहनी चाहिए, आपकी सांस बाहर निकलनी चाहिए उस दौरान। सा आप हाथ रख के देखिए, सा आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी आवाज के साथ में सांस बाहर आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों ये है वॉइस प्रोडक्शन का सही तरीका। तो आने वाले एपिसोड्स में आप जो भी रियाज करें उससे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपके ये सभी सिस्टम सही है या नहीं है, सांस लेने का आपका तरीका सही है या नहीं है। चूंकि ये चीज कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं पे लिखी हुई नहीं है, किसी शास्त्र वगैरह में कम से कम मैंने नहीं पढ़ा है, जो अभी तक मैंने सीखा है उसमें, तो ये अपने लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है, ये सही तरीका है। तो हैप्पी सिंगिंग, आप गायकी से जुड़ी हुई मूल बातें जो हर गायक को जानना जरूरी है, वही आपके सामने लेकर आता हूं और आता रहूंगा। गुनगुनाने से गाने तक को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आने वाले एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि सुरों का अभ्यास किस प्रकार सही तरीके से किया जाना चाहिए जो आपकी गायकी में चार चांद लगा दे और सही रिजल्ट लेकर आए। सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई होगी यदि आप इसे लाइक भी करें, सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। थैंक यू।